हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले आप सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका 12th क्लास का 3rd चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मीन्स क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं का कन्वर्जन आप पढ़ने वाले हैं, यानी हम क्या कहेंगे इसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में बता देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन, यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। इसमें चेंज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, ये आप पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं आप? अलग से बैटरी जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखते हैं कि क्या जोड़ रहे हैं, बैटरी को अलग से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी बाहर से दी जा रही है और बाहर से जब एनर्जी दी जा रही है तो ये प्रोसेस हो जाता है आपका क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो आप इससे पहले थर्मोडायनेमिक में आप पढ़ चुके हो, जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है, इसमें एनर्जी बाहर से दी जा रही है यानी सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब केमिकल एनर्जी को क्या पढ़ेंगे? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, चेंज करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका क्या है, इसको आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। क्या होगा? गैल्वेनिक सेल। या फिर इसको बोलेंगे वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सेल में या तो वोल्ट मीटर लगा देते हैं या फिर बल्ब लगा देते हैं, तो जब अंदर केमिकल चेंजेस होंगे तब आपका बल्ब जलेगा, यानी केमिकल चेंजेस से कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये इसमें कुछ हमें करना नहीं है, ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में
अब हमने थर्मोडायनेमिक में ये भी पढ़ा आपने, जो सिस्टम खुद वर्क करता है यानी उसकी उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, यानी डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को दो पार्ट पे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इसको आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे। और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको शुरू करेंगे दोनों टॉपिक इसके। इतना ही रखते हैं, ठीक है।